स्टडी ऊपर करता है, स्टडी लोग कैसा करते हैं उसके हिसाब से। ओवरऑल कैसा लगा ये आपको अपना डिपार्टमेंट? काफी अच्छा है, मुझसे भी पूछे हम बता सकते हैं, काफी अच्छा लगा। अच्छा, दैट्स नॉट विद मी, आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दोस स्टीरियोटाइप्स एंड लाइक ओके लाइक I'm gonna be honest, the first day when I came here, I felt a little awkward, but like bhart padhne ko seekhne ko mila kuch online mein experience itna acha nahi raha kyunki matlab practical jo kaam hota hai wo online hum better tarike se nahi seekh sakte, jab hum offline aaye to hame feel hua ki offline zyada better hota hai. Meri english thodi si kamzor hai lekin baat ye hai ki aapne DU kyun nahi chuna, aap saath denge inka? Ab zyada better hoga kyunki ab equal hai na, aise kabhi jamia mein tough tha to yahan, jabki banaras in इसमें कुछ ज्यादा ही टफ है। यूईटी इजी कर देगा सिलेबस को कि और भी टफ कर देगा भाई? अच्छा, क्या क्या नाम है आपका? भारती राजपूत। भारती राजपूत कहाँ से हैं आप? एमपी हरदा। एमपी कौन सा ईयर है आपका ये? फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। अभी आप बात कर रही थी लाइब्रेरी कार्ड कैसे बनता है और बात कर रही थी हेल्थ कार्ड कैसे बनता है। हाँ। नहीं पता ये सब चीजें? नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स बाद में आए तो उन्हें पता नहीं होता है, किसी को पहले से पता होता है, हमें पता है कि कैसे बनता है, पता है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक सेमेस्टर तो बीत गया होगा। हाँ, ऑनलाइन वो सेमेस्टर। क्या कुछ मिला पढ़ने को सीखने को मिला कुछ? ऑनलाइन में एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि मतलब प्रैक्टिकल जो काम होता है वो ऑनलाइन हम बेटर तरीके से नहीं सीख सकते, जब हम ऑफलाइन आए तो हमें फील हुआ कि ऑफलाइन ज्यादा बेटर होता है। अच्छा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम इतना नहीं सीख पाए, पर सेकंड सेमेस्टर में काफी अच्छे से सीख रहे हैं। इस बार तो इसको भी CU CET से ले लिया गया है, CU ET से ले लिया गया है। तो क्या लगता है कॉम्पिटिशन का लेवल कैसा होगा? अब ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि अब इक्वल है ना, ऐसे कभी जामिया में टफ था तो यहाँ, जबकि बनारस इसमें कुछ ज्यादा ही टफ है। यूईटी इजी कर देगा सिलेबस को कि और भी टफ कर देगा भाई? आई थिंक मतलब टफ कर देगा, बट कंपैरिजन नहीं होगा ना, इक्वालिटी हो जाएगी। इक्वालिटी हो जाएगी। और क्या जो लोग आएंगे CUET से, क्या कैसे लोग आएंगे? यहाँ पे सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, पढ़ाते लिखाते हैं बढ़िया? CHU में टॉप की हमें लगता है सारी यूनिवर्सिटी से ज्यादा, क्योंकि बहुत से सीनियर भैया लोग कई यूनिवर्सिटी में भी गए बट उन लोगों का BHU में जो है ना अवेलेबल वो कहीं नहीं है। यहाँ का एक्सपीरियंस और कहीं नहीं मिलता है, BHU लाट का तो कहीं नहीं। और क्या इस बार इंडेक्स क्या बना आप लोग का, रैंक क्या आया था? अच्छा आया, बट ऑनलाइन था तो ज्यादातर इक्वल नंबर सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एवरेज सेमेस्टर में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एंट्रेंस एग्जाम में पूछ रहा हूँ। ये बहुत टफ था, बहुत कट ऑफ कितना गया इस बार? बहुत ज्यादा, आई डोंट नो याद है, कट ऑफ याद नहीं है बट बहुत ज्यादा ही टफ था। एनटीए की तरफ से पेपर हुआ था ना, इस कारण काफी टफ था पेपर। मास्टर की इक्वल में हम लोग का BFA लेवल आया है मास्टर के, इतना ज्यादा टफ कर दिए थे? टफ कर दिया, सिलेबस एक मंथ पहले रिलीज हुआ कि सब कुछ चेंज, हम लोग का प्रैक्टिकल बेस्ड क्या आ गया था, कंपोजिशन एक हो गया था और मेमोराइज पूरा। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? अनहा सिद्दीकी। सिद्दीकी बोलता हूँ, बहुत बड़ा नाम है, सॉरी। सिद्दीकी जी ये बताइए कि ये जो 2021 का एंट्रेंस एग्जाम आप लोग दिए थे, प्रैक्टिकल में क्या चीजें बनाने के लिए, दो चीजें बनाने के लिए मिली होंगी ना? तीन चीजें, तीनों चीजें क्या क्या थी? एक तो उसका कौन सा था, एक तो एयरपोर्ट का सीन था, उसमें तीन पर्सन दिखाने थे, तीन ह्यूमन फिगर मतलब बैठे हुए थोड़ा बहुत था ना। एंड सेकंड था स्ट्रीट के कॉर्नर में कोई टी शॉप, नहीं कैंडी शॉप थी, सॉरी कैंडी शॉप थी, आपको वहाँ मतलब दिखाना होता है, पूरा फुल बेस्ड होता है प्रस्पेक्टिव में, फुल ह्यूमन फिगर नहीं भी दिखे लेकिन प्रस्पेक्टिव दिखना चाहिए। जबकि पहले में क्या था कि हम लोग को ह्यूमन फिगर की इतनी कम हम लोगों ने प्रैक्टिस की, बट इसमें क्या आ गया, प्रस्पेक्टिव, परिपेक्ष्य क्लियर होना चाहिए एकदम। हम मतलब दिखना चाहिए कि रोड है तो स्ट्रेट जा रही है, कोई ऊपर नीचे, जैसे यहाँ से देख रहे हैं तो कुछ चीज़ दूर है तो वो दूर ही नज़र आ रही है, प्रस्पेक्टिव बेस्ड था तो वो बहुत टफ था। आप लोगों ने बहुत फाइन बनाया होगा तब आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ। तो क्या लिया आपने यहाँ पे आकर के, क्या पढ़ना है? 5 सब्जेक्ट है यहाँ पे लगभग, 6 सब्जेक्ट है, क्या क्या है 6 नाम बताइए तो। पेंटिंग, अप्लाइड, स्कल्पचर, टेक्सटाइल, पॉटरी एंड सेरामिक, नहीं पॉटरी और एक और प्रिंट कैसे निकाला जाता है, इसमें क्या खास होता है कि प्रिंट निकालने के लिए एक नया डिपार्टमेंट ही खोल दिया इन लोगों ने? हमारी अभी एक ही क्लास हुई है जिसमें हमें सिर्फ मतलब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो पता नहीं हम आगे सीखेंगे कि क्या। इंट्रोडक्शन में क्या आपका इंट्रोडक्शन लिया या सब्जेक्ट का दिया? और टीचर ने अपना दिया और मतलब क्या टूल्स यूज होते हैं ये सब बताया। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया, मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ जानने, मतलब क्या बताया?
हाँ हमें भी नहीं पता ना, हमें अभी एक ही क्लास हुई है, नेक्स्ट क्लास जब होगी हमें पता चलेगा कि क्या होता है। क्या नाम है आपका? दर्शा। कहाँ से? I'm from Delhi। अब ये दिल्ली से आए, दिल्ली में तो और भी ज्यादा गर्मी पड़ती है ना। यहाँ बनारस की गर्मी आपको कम लग रही है? मुझे तो बहुत ज्यादा लग रही है भाई। अच्छा अभी दिल्ली से आप कितने दिन हुए यहाँ पे आए? It's gonna be a week on Saturday. सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिल्ली ने रिकॉर्ड किया, क्या हाल था वहाँ पे? I mean it's definitely hot and I've been to like DU University as well. Like I've been there with my friends and it's definitely hot and yeah, but it's like more humid here. मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन बात यह है कि आपने DU क्यों नहीं चुना? आप साथ देंगे इनका? आपने DU क्यों नहीं चुना? First of all, like the College of Arts, so like the affiliation it changed. So it's not in DU now, it's from AUD, which is Ambedkar University, Delhi. हाँ. So like last time Delhi में exam ही नहीं हुआ था, तो हम लोग कॉलेज ऑफ आर्ट का पेपर ही नहीं दे पाए थे। एग्जाम नहीं हुआ था मतलब? एक साल जैसे कोरोना का टाइम था ना, तो उन्होंने उस साल को स्किप कर दिया, कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, फॉर्म ही नहीं फिल हुआ। फॉर्म ही नहीं फिल, जीरो सेशन इसको कहते हैं। जीरो सेशन कहते हैं, हाँ जिसे जीरो सेशन कहते हैं। बीएचयू का एक बार शायद 1981 में हुआ था, तो हाँ ये लास्ट टाइम भी हुआ, इसलिए हम कॉलेज ऑफ आर्ट का पेपर ही नहीं दे पाए। पेपर नहीं दे पाए तो क्या रिग्रेट है कोई? हमने DU नहीं सेलेक्ट किया, दिल्ली छोड़ के बीएचयू आ गए। No, it's not that. I mean, I've been in Delhi my whole life, so it's a bit difficult for me to adjust here, but I really like it here. Delhi proper? आप Delhi से ही हो? No, from the NCR region, Ghaziabad. People from Delhi, Mumbai, Calcutta, ये लोग बंगाली जैसे कह रहा हूँ, बिहार और यूपी को बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि नहीं? No, they are cheap people. No, that's not with me. I don't believe in any of those stereotypes. And like, okay, like. I'm gonna be honest, the first day when I came here, I felt a little awkward, but like Bharti, she's my friend, she was the first friend I made here and the whole group, they accepted me. Bharti, you stand here. आप UP से हैं? नहीं, मैं MP से हूँ। आप MP से हैं, MP भी अपना लगभग सेम ही है, UP जैसा ही है कुछ? हाँ मतलब थोड़ा डिफरेंट है, मतलब जैसे यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड होता है, जैसे गर्मी भी MP के कम्पेरिजन में बहुत ज्यादा है। हाँ मतलब अगर MP और UP को कम्पेयर करेंगे तो मुझे स्टिल मतलब MP अभी तक ज्यादा बेटर लगा। क्वेश्चन करें छोटा सा, बहुत बड़ा छोटा क्वेश्चन है, दिल्ली से लोग आते हैं, आंध्र प्रदेश से लोग आते हैं, ये उनके लिए एक बड़ा टॉपिक होता है, सिक्योरिटी सिस्टम। यहाँ पे आप लोग एक हफ्ते से हो, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है कैंपस आपको? अच्छा लगा? हाँ, काफी अच्छा लगा, मतलब BHU का कैंपस काफी अच्छा है और फैसिलिटी, नो फैसिलिटी भी काफी अच्छी दी जाती है। अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ तक हमें हॉस्टल अलॉट हो सकता है, नेक्स्ट मंथ तक अलॉट। एंड टीचर और सीनियर्स काफी हेल्पफुल होते हैं यहाँ पे, आप किसी से भी पूछो, वो काफी अच्छे से आपको हेल्प करते हैं। तो वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के जो सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे लगाए गए हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं? कोई ग्लिच नहीं आ रहा इसमें? नॉट राइट नाउ, लाइक नॉट येट, बट या इट्स फाइन। अच्छा एक लास्ट मैसेज कि अगर आप किसी को बुलाना चाहें विजुअल आर्ट फैकल्टी में पढ़ने के लिए, जैसे आप मेरी बहन को बुलाना चाहें कि नहीं कैसा है ये स्कूल, एक छोटा सा स्कूल मान लें तो कैसा है ये स्कूल? अच्छा है, वर्थ है, आने लायक है, चार साल यहाँ देने लायक है? जहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ है कैंपस, आप मतलब सिर्फ अपना ही डिपार्टमेंट नहीं, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट घूम सकते हैं, सब सारे डिपार्टमेंट के बारे में जान सकते हैं। और सीनियर्स की क्या बात कहें, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्पफुल है, वो आपकी हेल्प करते हैं, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। BHU को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में लिया गया है और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्चा हो रहे हैं, लगभग 1200 समथिंग करोड़ रुपए मिलता है सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के नाम पे BHU को, ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है यहाँ पे? प्रॉपर फैसिलिटीज हैं? हाँ, है फैसिलिटी सारी है, बिल्कुल सही। तो ये व्यवस्था है पूरा विजुअल आर्ट फैकल्टी का, मिलके आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, कुछ गलत बातें नहीं ना की हमने? नहीं नहीं बिल्कुल। देखिए दोबारा कहीं मिलेंगे तो शायद कमेंट कुछ आया होगा, क्योरी होगी तो सॉल्व करेंगे उसको। थैंक यू, और चलिए आपसे भी मिलके अच्छा लगा। आपका नाम? विजिता भारद्वाज। और आपका नाम? दिया विश्वकर्मा। सब लोग फर्स्ट ईयर से हैं? कैसा लगा BHU आकर के अभी नया नया? काफी अच्छा। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यही साकेत नगर रहते हैं, हम लोग यहीं के निवासी हैं। बनारस प्रॉपर? यहीं बनारस। बनारस के लोग ज्यादा लोग BHU में नहीं पढ़ पाते, ये चीज आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन को? आप इस पे आप क्या बोलना चाहोगे, क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? मतलब यहाँ के लोग अच्छा एडमिशन नहीं हो पाता है अच्छे से, लोग स्टडी से ऊपर करता है, स्टडी लोग कैसा करते हैं उसके हिसाब से। ओवरऑल कैसा लगा ये आपको अपना डिपार्टमेंट? काफी अच्छा है, मुझसे भी पूछे हम बता सकते हैं, काफी अच्छा लगा। अच्छा हाँ अच्छा। और हम लोग मतलब BHU मतलब कि स्कूलिंग हम लोग का वीकेंड से हुआ है, मतलब ये मतलब यही का क्या बोलते हैं उसको,
क्या बोलते हैं अफिलिएटेड कॉलेज था हम लोग का, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाँ वीकेएम, ये कम अच्छा सीएचएस के पास। विजुअल आर्ट के लिए अगर कोचिंग तैयारी करनी हो, आप लोगों ने तैयारी की थी कहीं कि ऐसे ही आप लोग चले आए? इन दोनों ने की थी, मैंने तो सेल्फ स्टडी किया था। सेल्फ स्टडी? यस। तो ये जो प्रैक्टिकल पेंटिंग वेंटिंग करना होता है सब कुछ, ये सब भी सेल्फ स्टडी में हो जाता है? नहीं, इसके लिए कोचिंग किया था हमने। कोचिंग किया था? यस, कोचिंग किया था। इसके लिए किया था लंका पे, यही लंका पे किया था। चलिए, मिलके बहुत अच्छा लगा, आपको मिलके अच्छा लगा? काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये अपनी अमानत में ले लूं? यस बिल्कुल, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत। आपकी फ्रेंड नहीं है? वीडियो बनाओ, रुको जाने, वीडियो बनाओ, रुकिए अभी नहीं, ऐसे क्यों? मतलब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू ले रहा ना। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, वैसे पूरा इंटरव्यू मैं अपलोड करूंगा। हाँ। पूरा इंटरव्यू मैं अपलोड करूंगा बीएचयू स्टूडेंट लाइफ पे। अच्छा। और हम चैनल चलाते हैं इंस्टाग्राम में भी, इंस्टाग्राम द स्टूडेंट लाइफ। ओके। द स्टूडेंट लाइफ सर्च करेंगे आप ना तो आपको दिख जाएगा, हम लोग बीएचयू पे ही चैनल है, लगभग 400-500 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्रोफेसर स्टूडेंट डिपार्टमेंट सब कुछ। टीचर्स के पास वीडियो तो बना यार, नहीं बनाओ। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके, और मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए मान सुन शा धन्यवाद बोलता है, वीडियो देखने के लिए जय हिंद जय भारत। क्या हुआ? एक मिनट और लीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप अपने दोस्त का इंटरव्यू लीजिए ना एक बार, आप वापस से बात। अच्छा ठीक है, दिया दिया। हाँ, तो हम लोग यहाँ मिलने आए तुमसे। नहीं, आप लीजिए हम लोग का इंटरव्यू। कुछ भी पूछिए, कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। हमें तो बस एकेडमिकली काम करना। अच्छा ये बताइए।